हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में अपना व्यापार बढ़ाती है और अपना साम्राज्य बढ़ाती है, साम्राज्य स्थापित करती है, ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि हिस्ट्री का है और मॉडर्न इंडिया हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है एनसीईआरटी क्लास से करा दिया था, जो कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस या टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एनसीईआरटी। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो मुग़ल बादशाह है, जो अंतिम मुग़ल बादशाह की बात करें, जो सबसे ताकतवर था, अब सबसे अंतिम तो बहादुर शाह जफर को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर ताकतवर की बात करें तो सबसे शक्तिशाली उस टाइम, जो अंतिम जहाँ तक देखा जाए तो शक्तिशाली औरंगजेब तक ही था। उसके बाद मुग़ल शासक कमज़ोर होते जाते हैं। और उसी दौरान जब औरंगजेब का काल ख़त्म हो जाता है 1707 के बाद, औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी बनते हैं वो उतने शक्तिशाली नहीं होते, उतने ताकतवर नहीं होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सूबेदार होते हैं, जो मुग़ल बादशाहों द्वारा सूबेदार नियुक्त किया जाता है, वो अपना एक छोटा छोटा रियासत बना लेते हैं, खुद एक स्वतंत्र रियासत बना लेते हैं। जैसे कि बंगाल की बात करें, बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, हैदराबाद के निज़ाम बन जाएंगे, अवध का बन जाएगा, तो इस तरीके से छोटे छोटे रियासत बन जाएंगे। तो जैसे बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद अली खां, तो मुर्शिद या कुली खा जिसको कहते हैं, ये अपना एक स्वतंत्र, पहले तो ये दीवान बनता है, देन इसको हम उसको फिर सूबेदार बनाया जाता है। सूबेदार बनाने के बाद जब ये देखता है कि मुग़ल शासक कमज़ोर हो जा रहा है, तो ये क्या करता है, एक स्वतंत्र राज्य बना लेता है, एक रियासत बना लेता है और ख़ुद को नवाब बना लेता है। तो ये ऐसे ये इसमें बताया गया, ठीक है। तो ये देखा गया कि तब ये सक्रिय नहीं रहते, मुग़ल बादशाह कमज़ोर होते जाते हैं, बस एक दिल्ली तक ही सीमित रह जाते हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हैं कौन, अंग्रेज़ भी उठाते हैं फ़ायदा और छोटे छोटे सूबेदार भी उठाते हैं। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया गया है, ये वाला पता होना चाहिए, ये घटना दिया गया है कि देखिए, कैप्टन हडसन जो था ना, बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व लीडर बनाया जाता है। तो ये अंतिम रहते हैं बहादुर शाह जफर, तो इनके जो पुत्र रहते हैं, इनके बेटों को इनके सामने गोलियां मार दी जाती हैं। देखिए यहाँ पे यही दिया है कि जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, इनको म्यांमार भेज दिया जाता है, इनको और इनकी वाइफ को, वहीं जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके बेटे को इनके सामने ही दिल्ली में गोली मार दी जाती है। और ये गोली कौन मारता है, कैप्टन हडसन, जो कि अंग्रेज रहता है, ठीक है। तो ये घटना दी। अब हम बात करेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो 1600 दिसंबर 1600 में बनी थी, ठीक है, दिसंबर 1600 बनी थी। और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था, इसका दूसरा नाम था, जो कि मैं एक अलग आपको सीरीज़ कराऊंगी मॉडर्न इंडिया का, कि भारत और आंग्ल संघर्ष कैसे थे, तो एंग्लो इंडियन स्ट्रगल जो है वो हम मैं कराऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये भारत आने के रास्ते हैं, जब कैपटाउन से होते हुए पुर्तगाली आए थे इंडिया में, तो ये रास्ते पहले इस रास्ते आते थे, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य विकसित हो जाने की वजह से ये इधर ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचने लगे, तो इधर से कुछ विवाद हुआ, देन ये इधर रास्ता खोज दिया, किसने, वास्को डी गामा ने। तो ये पूरी कहानी इसमें बताई गई है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजातनामा हासिल कर लिया। तो 1600 ईस्वी में कंपनी बनी और उस समय महारानी जो थी एलिजाबेथ, इनसे इन्होंने क्या मान लिया, ये इजात मतलब एक चार्टर मांग लिया, मतलब विशेषाधिकार मांग लिया कि मोनोपोली, कि हम भारत जाएंगे, हम व्यापार करेंगे और ये हमारा एकाधिकार हो गया, यानी हम अकेले एक कंपनी होंगे जो व्यापार करेंगे, ठीक है। तो इसके ये फरमान, ये जो आदेश था, ये विशेषाधिकार देने के बाद 15 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन क्या होता है, एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, देन ये विशेषाधिकार ये जाके बताते हैं, जो जॉर्ज रहता है, जॉन बनते हैं जो राजा, उनसे ये बताते हैं एलिजाबेथ ने ऐसा ऐसा किया है। तो फिर ये जो विशेषाधिकार मिलता है ये पुनः रिन्यू करा दिया जाता है और ये भारत आते हैं। तो ये भारत कब आते हैं, 1608 ईस्वी में, जो कि यहाँ दिया नहीं है तो मैं बता देती हूँ, ये भारत 1608 ईस्वी में आते हैं। तो इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती है, बराबरी नहीं कर सकती है। इस चार्टर को सहारे जो कंपनी थी समुद्री पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती। तो ये जो चार्टर
मिला था, विशेषाधिकार मिला था, उसमें यही बात की गई थी। और कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी का भय भी नहीं होगा, कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियों मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत में बेच सकती हैं। तो ये इनको विशेषाधिकार मिल गया था, एक इजाज़तनामा कह सकते हैं ना, ठीक है, एक चार्टर के थ्रू ये मिला था इनको इजाज़तनामा, ठीक है। पुर्तगाल की खोजे यात्री जो वास्को डिगामा थे, 1498 ईस्वी में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग को पता लगाया था, जो केप टाउन होते हुए साउथ अफ्रीका के, इस मार्ग का पता किसने लगाया था, तो वास्को डिगामा ने लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ इस समय बाद फ्रांसीसियों का व्यापार भी सामने आया। तो देखा जाए, जब ये भारत आए थे उस टाइम अदर कंपनी भी आ गई थी, जैसे कि पुर्तगाली पहले ही ये व्यापार कर रहे थे यहाँ के। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, PDEDF याद कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो PD मतलब पुर्तगाली आए थे, देन आपके डच आएंगे, डच के बाद आएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ये अंग्रेज हैं, देन डेनिस आता है और फ्रांसीसी आते हैं। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं, और सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। तो ये कंपनी का सिक्वेंस है। तो अंग्रेज के आने से पहले ही ये दो कंपनियाँ भारत में व्यापार कर रही थी, तो कॉम्पिटिशन तो होगा ही। तो ये आई थी, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डेनिस और फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो ये बात यहाँ पे मेंशन है। यूरोप में बाजार भारत के बने बारीकी सूती कपड़े रेशम के जबरदस्त मांग थी। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पे मसालों की जरूरत होती थी, रेशम के सूती वस्त्र की डिमांड ज़्यादा थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी वहाँ पे, इसलिए ये व्यापार करने भारत आते हैं। और व्यापार करने आते थे तो ये भारत को धातुएं देते थे, गोल्ड देते थे, इसलिए भारत की जो भारत देश है वो सोने की चिड़िया बन गई थी, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, क्यों आते थे ये व्यापार करने भारत में, क्योंकि ये लौंग, इलायची, ये सब चीजें व्यापार करती थी, इनकी डिमांड ज्यादा थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो बंगाल में व्यापार शुरू करता है। देखिए, बंगाल पहले ना बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बंगाल पहले छोटा नहीं था। बंगाल में बांग्लादेश भी आता था, उड़ीसा भी आता था, आपका बिहार जो और वर्तमान में झारखंड है, ये सब को मिला के, जो वेस्ट बंगाल है वो भी मिला के आपका एक बंगाल बनता था। तो बहुत बड़ा था बंगाल हमारा, ठीक है। तो और पहले तो हुगली नदी नदी भी था, और आसानी से जहाज़ के माध्यम से, जलपोत के माध्यम से लोग पहुंच जाते थे। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1691 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। देखिए, कंपनी इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन आपको मिलेगा 1611 में ये आए थे तो वहाँ पे ये बनाते हैं, फिर 1613 में भी बनाते हैं ये सूरत में, ठीक है। दिन इस तरीके से ये अपना विस्तार करते हैं। तो ये फैक्ट्री यहीं बनाते हैं और अब कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते हैं, ठीक है। इन व्यापारियों को उस समय जमाने में फैक्टर कहा जाता था, जो फैक्ट्री में काम करते थे व्यापारी होते थे, उनको फैक्टर कहा जाता था। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा की जाती थी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। ये किलाबंदी ही ना, बंगाल में किलाबंदी ही प्लासी के युद्ध का कारण बनता है, ये किला बनाना शुरू कर देते हैं। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीनों गांव की जमींदारी भी खरीद ली थी। ये मुगल जो भी शासक होते थे, नवाब होते थे, इनको लालच देके ये उनसे फरमान ले लेते, परमिट ले लेते थे। इनमें से गांव, जैसे उन्होंने 3 गांव खरीदे थे, तो एक उसमें से एक गांव जो था कालिका था, जो कि अब कलकत्ता बन जाता है, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब से इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो फरमान भी औरंगजेब के टाइम पे लिया था, शाही फरमान लिया था, फरूख सियर से भी लिया था, ठीक है, जहांगीर से तो कंपनी स्थापित करने के लिए लिया था। तो ये पूरे इसको फरमान मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार मिल गया, यानी टैक्स फ्री उनको देखिए सालाना कुछ देना पड़ता था, साल भर में कुछ एक बार टैक्स अगर पे कर दिए तो उसके
से उसे परमिट मिल जाता था और ये टैक्स फ्री जितना भी व्यापार करना चाहे ये कर लेते थे। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी। लेकिन क्या होता था कि जो अंग्रेज के मतलब पर्सनल बेनिफिट भी देखते थे, जो व्यापारी होते थे वो अपना व्यक्तिगत लाभ देखने के लिए भी अपना फ़ायदा उठाने लगे इस परमिट को। लेकिन औरंगजेब को जब ये पता चला तो औरंगजेब ने ये कहा था कि ये फरमान नहीं दिया था, ठीक है। और ये फरमान देखा जाता है कि प्लासी का युद्ध का कारण भी बनता है, प्लासी और बक्सर का युद्ध का कारण भी बनता है, क्योंकि ये अपना जो वो परमिट मिलता, दस्तक भी मिलता था ना, ये दस्तक भी भारतीयों को बेच देते थे कि इसको लगा लोगे तो तुम टैक्स फ्री व्यापार करोगे और तुम टैक्स फ्री, तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा कहीं जाने के लिए, तो जो तुमको टैक्स पे करना था उसका मुझे कुछ दे दो हिस्सा। तो ये भारतीयों को बेचना शुरू कर दिए थे। तो अंग्रेज औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब तो था ही शक्तिशाली और पावरफुल, तो वो इसको छूट नहीं दिया था कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आप यूज़ करें, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी और ये देते नहीं थे और रेन्यू नहीं मिलता था, टैक्स नहीं मिलता था, जो नवाब होते थे सूबेदार उनको कुछ नहीं मिलता था। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों नहीं करते? तो अब कोई भी नवाब है अब उसको नहीं मिल रहा है टैक्स, तो अब वो राज्य कैसे चलेगा, तो इसका विरोध तो करेगा ही नवाब, तो सूबेदार चाहे नवाब हो ये सब विरोध करेंगे। तो और इसी विरोध का कारण प्लासी का बक्सर का युद्ध होता है। अब एक बात कर, बात यहाँ पे दिया गया है कि मद्रास के जहाजों के सामान लाती स्थानीय नौकाएं जो थी वो विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये सिम्पसन ने बनाया था। व्यापार से युद्धों तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपनी कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। देखिए फर्रुख सियर के टाइम पे अंग्रेजों को सिक्के ढालने का भी अधिकार मिल गया था, लेकिन नवाबों को ये पसंद नहीं आ रहा था तो ये अधिकार नहीं दिया और उसको किलाबंदी को बढ़ाने से रोक भी दिया था। जैसे सिराजुद्दौला था, जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें किलाबंदी को रोक लिया और इसी किलाबंदी की वजह से उस प्लासी का युद्ध होता है जो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमजोर पड़ रही है। और कंपनी क्या करती थी कि मुझे फरमान मिला है मैं फ्री करूंगा, टैक्स फ्री व्यापार करूंगा, तो टैक्स नहीं देती थी, टैक्स चुकाने से मना कर देती थी। और इसी टकराव के वजह से आप देखेंगे सिराजुद्दौला के टाइम पे प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध कब होता है, जून में होता है, 1757 ईस्वी को होता है। उससे पहले सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेज किलाबंदी शुरू कर देते हैं चंद्रनगर में फोर्ट विलियम पे, तो अंग्रेजों पर सिराजुद्दौला ने 3 धावे किए थे। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी को ऐसा कठपुतली नवाब चाहिए था जो पपेट होते ना, उसके गुलाम उसके अधीन काम करें, वैसा नवाब चाहिए था। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था, जो कि उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने के लिए आनाकानी ना करें, मना नहीं करें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। अब देखिए इसका एक सेनापति था, इसकी खुद की एक मौसी थी जिसे घसीटी बेगम कहा जाता है, थी वो अंग्रेजों के साथ आ जाती है, और इसका खुद का सेनापति जो होता है मीर जाफर अगर साथ नहीं देता तो आज अंग्रेज यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मीर जाफर इसका सेनापति खुद नवाब बनना चाहता था, ये भी अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं, और जो वहाँ के व्यापारी होता है जैसे अमी चंद ये भी अंग्रेजों से जाके मिल जाता है। तो सिराजुद्दौला की जगह अन्य को नवाब चाहती थी, तो इसकी वजह से क्या करती है, ये इसके प्रतिद्वंदियों से मिलती है, अंग्रेज जो होती है, और कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, किलाबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए, जो भी बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने के तैयार नहीं थे तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों को हथियार छीन लिया और अंग्रेजों के जहाजों को घेर लिया था। ये सिराजुद्दौला ने किया था।
इसके नवाब में कंपनी कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर रुख किया। यानी देखिए, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर भी कब्जा कर लिया था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों को मिला था, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे भी कब्जा कर लिया था। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में रॉबर्ट क्लाइव की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब ये पता चलता है कि कलकत्ता पे विजय हो जाता है तो प्रतिक्रिया तो करेंगे ही अंग्रेज, तो अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया, ठीक है, एक स्थल सेना थी और एक थल से जा रही थी, सॉरी स्थल से और एक जल के थ्रू जा रही थी। इस सेना को नौसैनिक बड़े बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इससे इसके बाद में नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति जो मीर जाफर था, उसकी कारगुजारियाँ भी थी, मतलब वो मिल गया था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र किया था, मीर जाफर ने षड्यंत्र किया था और सिराजुद्दौला का युद्ध में मदद नहीं किया और युद्ध से भगा कर उसके रास्ते में ही अमीर जाफर का बेटा जो रहता है मीरन, इसको मार देता है सिराजुद्दौला को। और मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर जाफर को अगला नवाब बनाया जाएगा। तो अब ये पूरी षड्यंत्र थी, मतलब ये जो षड्यंत्र था ये षड्यंत्रों का षड्यंत्र था। मीर जाफर के साथ मिलके सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। तो पहली बात तो ये भी पता होनी चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध हम करते हैं, ये जगह एक जगह थी, ठीक है, ये जगह थी पलासी, पलासी थी, जो पलास के फूलों के कारण इस जगह का नाम पड़ा था, लेकिन अंग्रेजों के प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये प्लासी हो गया, ठीक है। ओके, तो प्लासी का युद्ध आपको समझ आ गया कैसे क्या हुआ, फिर अंग्रेज कैसे ताकतवर बन जाते हैं और कठपुतली नवाब बना ही लेते हैं, मीर जाफर को बना लेते हैं, ठीक है, मीर जाफर को बना लेते हैं, नवाब बन जाता है ये। और प्लासी की जंग जो है इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी, वो इसका मूल उद्देश्य था व्यापार को फैलाना। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़ाई किया जा सकता था तो किसी राज्य के सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। देखिए, अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये किसी भी राज्य को जीत रहे हैं तो उसके अधीन, उसको अपने अधीन कर दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उस राज्य को लेंगे तो उनको खर्चा खर्च देना पड़ेगा, मतलब पैसे लगेंगे और इतने पैसे हैं नहीं क्योंकि वो एक व्यापारी कंपनी थी, तो वो अपना फायदा देख रहे थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सुना है ना, ये पैसा निकालना चाहते थे भारत से, भारत को संभालने नहीं, भारत से पैसे निकालने आए थे जब व्यापार करने आए थे, तो ये रणनीति थी इनकी, ठीक है। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, अब क्या होता है कि अब इनकी डिमांड बढ़ती जाती है, ये मीर जाफर से भी पैसे लेते रहते हैं, तो मीर जाफर ने विरोध कर दिया कि बार बार ये आ रहे हैं। तो अब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया कि तो कंपनी उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दी। अब मीर कासिम को नवाब बना दिया और मीर जाफर को कैसे हटाया गया था, रक्तहीन क्रांति हुई थी, मीर जाफर के घर के जो किला था वहाँ घेर लिया गया, उसको बोल दिया गया या तो सीधे सीधे मान जाओ, बोल्ड हो गए हो तो ये मान जाता है, फिर मीर कासिम जो होता है इसका दामाद होता है मीर जाफर का, तो इसको बना दिया जाता है। लेकिन मीर कासिम ना देखिए, और मीर कासिम जो था सिराजुद्दौला के बाद ये शक्तिशाली था, मीर कासिम को देखा जाए तो ये बहुत शक्तिशाली था नवाबों में देखा जाए, तो मीर कासिम परेशान करने लगे, तो मीर कासिम को भी अब अंग्रेज परेशान गए। मीर कासिम क्या था, अंग्रेजों से एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता, अंग्रेजों के अधीन काम नहीं करना चाहता था मीर कासिम, तो इसकी वजह से ये फ्रांसीसियों की मदद लेता है और फ्रांसीसी इसकी मदद करते और ये आधुनिक शस्त्रागार जो जहाँ पे हथियार वगैरह बनते हैं वो उनकी मदद से बनाने लगा, सेना का आधुनिकरण करने लगा। तो ये सब चीज़ें जब अंग्रेज जान रहे थे कि तो अंग्रेज और अंग्रेज को टैक्स नहीं दे रहा था क्योंकि अंग्रेज जो दस्तक मिला था, परमिट मिला था, वो भारतीयों को बेच रहे थे, तो इसकी वजह से जो भारत की भारत है, भारत के अंदर जो राज्य में जो रिवेन्यू मिलता था, रिवेन्यू सॉरी रिवेन्यू मिलता था, जो राजस्व मिलता था वो अब
अब नहीं मिल रहा है, अब टैक्स अब भारतीयों को बेच रहा है, भारतीयों से पैसा ले रहा है, तो कोई भी व्यापारी उसको खरीद ले रहा है कि चलो भाई इसको लगाने से फ्री में हम व्यापार टैक्स फ्री हो जाएंगे, इधर उधर अपना व्यापार ले जाएंगे, सामान अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसकी वजह से जो भारतीयों से जो टैक्स मिलता था वो भी बंद हो गया। अब ये मीर कासिम को लगा कि अब ऐसा करना है कि अब भारतीयों पे भी कर बंद कर देते हैं, तो इसने क्या किया, सभी आंतरिक कर को समाप्त कर दिया, भारतीयों के लिए जो भी व्यापारी हैं व्यापारियों के लिए आंतरिक कर ही समाप्त कर दिया गया। जब ये अंग्रेज को पता चला तो अंग्रेज को लगा कि हमें तो विशेष अधिकार मिला था, सब मेरे बराबर थोड़ी हो जाएंगे, तो अंग्रेज को तब भी क्रोध आया था कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है मीर कासिम। और मीर कासिम क्या किया था, एक घटना हुई थी पटना की घटना, पटना की घटना जो हुई थी, पटना की घटना जो हुई थी, ये इसने पहले तो इसने मुर्शिदाबाद राजधानी थी, मुर्शिदाबाद राजधानी थी बंगाल की, उसके बाद इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया, मुंगेर बना दिया। मुंगेर बनाने के बाद ये वहीं जाके रहने लगा पटना के पास, मुंगेर में ही। अब यहाँ पे पटना में जब ये जाता है तो अंग्रेज सेना भेजता है, तो अंग्रेज की जो सेना है उसको एलसिन, हाँ एलसिन नाम था, ठीक है एलसिन, हाँ, तो ये अंग्रेज की सेना को मार देता है, तो पटना हत्याकांड होता है जिसकी वजह से फिर बक्सर का युद्ध जन्म लेता और खुद भाग जाता है मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम भाग जाता है जाके इलाहाबाद में, इलाहाबाद में अवध के नवाब और दिल्ली के जो वो थे, दिल्ली के बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उनकी मदद लेता है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो ये पूरी कहानी है। तो बक्सर का युद्ध होता है, फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं अंग्रेज। तो बक्सर की लड़ाई कब होती है, 1764 में होती है, जिसमें ये त्रिगुट की हार होती है, जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब जो रहता है सुजाउद्दौला और बहादुर शाह जफर की हार हो जाती है। और क्या होता है कि बहादुर शाह जफर और सुजाउद्दौला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि मीर कासिम भाग जाता है। तो ये पूरी घटना थी। ठीक है, अब यहीं पे इलाहाबाद की संधि होती है, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी, तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब नवाब को हर महीने जो अब मीर जाफर बना था उस अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए अपनी कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी, तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, 1765 में क्या होता है, मुगल सम्राट की कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, जो आलम शाह दीती हैं। ठीक है, आलम शाह दीती, सारी मैंने बहादुर शाह बोला ना, शायद वो बहादुर शाह के पास नहीं जाता है, आलम शाह दीती रहते हैं, वो तो बहादुर शाह जफर तो उस टाइम रहते हैं, 1857 की क्रांति जो होती है उसमें रहते हैं, तो शाह आलम दीती की मदद मांगते हैं। तो शाह आलम दीती के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, सुजाउद्दौला के साथ भी होती है इलाहाबाद की संधि, तो इसको दीवानी मिल जाती है। तो बंगाल की दीवानी किससे मिलती है, शाह आलम दीती से मिल जाती है। दीवानी मिलने के कारण बंगाल कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था, और इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई। मतलब 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। उसकी वजह से ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, और बंगाल के दीवाने मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद भारत का पैसा भारत से ही बाहर जाने लगा। ठीक है, अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते किला किलो दफ्तरों का निर्माण लगत उठा सकती थी। तो ये पूरी बक्सर के युद्ध के बाद घटना होती है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही था कि कंपनी पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ भी और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। जब रॉबर्ट क्लाइव आया था तो ये भारत से बहुत मनी अर्न करके गया था। खुद रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत की बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास और चेन्नई आया था तो उसकी उम्र केवल 18 साल थी। 1767 में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद
हमेशा के लिए भारत में से रवाना हुआ था, तो भी उसकी दौलत कुछ इतनी थी, पौंड के बराबर थी, 4,11,102। सो इतनी इतनी पौंड उसके पास थी। ठीक है, दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पे सफाई देनी पड़ी थी। 1772 में उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया था, लेकिन 1774 में वो खुद आत्महत्या कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, कंपनी का फैलता शासन क्या है? तो देखिए, बक्सर की लड़ाई हुई 1764, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दी, मतलब खुद की सेना तैनात कर दी। अब क्या है, अब इसके अधीन, अंग्रेजों के अधीन वहाँ पे अंग्रेजों की सेना है, उसका खर्चा भारत के नवाब देंगे, और अगर कभी कुछ होता है, मान लीजिए अगर नवाब विद्रोह भी करना चाहेगा, तो उसमें सेना तो अंग्रेज है, अब अंग्रेज का साथ ही देगी ना, अंग्रेज का साथ ही तो अंग्रेज सेना देगी। तो ये इनकी एक रणनीति थी, और कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया, और ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, किस तरह की चीज़ें, और कंपनी के अफसर की तय करना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें कौन तय कर, ये अफसर ही तय करते थे, रेजिडेंट जो बनाया गया था। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपे थे, सहायक संधि भी थोपा गया था, और निज़ाम ने भी सहायक संधि स्वीकार करी थी, सबसे पहले हैदराबाद के, उसके बाद मैसूर में भी सहायक संधि स्वीकार होती है, 1709 अवध के नवाब ने भी स्वीकार की थी। तो ये पूरी घटना थी। ठीक है, अब ये जो सेना थी, रेजिडेंट थे, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देता था। तो जो नवाब था, अब मान लीजिए जो रियासतें हैं, उसको कंपनी की तरफ से सेना दी जाती थी, उसकी रक्षा की जाती थी, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को ये नवाब ही पैसे देते थे। अगर भारतीय शासन रकम अदा करने में चूक जाते थे, यानी वो पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में था, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करना चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद में भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो ये प्रावधान था, ये सहायक संधि कर लेते थे, और जो रेजिडेंट भेजा था, अगर उसका पेमेंट ये नहीं कर पाते थे नवाब, तो वो इस इलाके को कब्जा कर लेते थे। ठीक है, टीपू सुल्तान को शेर मशहूर मैसूर कहा जाता है, इसके पीछे एक घटना है, इसकी वजह से इनको मैसूर कहा जाता है। तो मैसूर राजवंश का जन्म कैसे होता है, एक वाड्यार वंश होता है, 1612 में वाड्यार वंश बनता है, विजयनगर जो वेंकट दीति हैं उनके समय में एक वाड्यार वंश बनता है, और वाड्यार वंश से ही मैसूर वंश जन्म लेगा। तो ये टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम सुनेंगे, तो ये अंग्रेजों के साथ नहीं मिलते हैं, ये अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि ये नवाबों की तरह नहीं अंग्रेजों का साथ देते हैं, जैसे मीर जाफर ने दिया था, ये ऐसा नहीं करते हैं। हैदर अली जो शासनकाल था 1761 से 1782 में, उनके विख्यात पुत्र थे टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल था, जब हैदर अली मर जाता है 1782 में, तब इनका राज्याभिषेक होता है, और जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पकड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। तो ये अंग्रेज़ की नाक में दम कर देते हैं। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया, और उनकी मदद कर सेना का आधुनिकीकरण किया था। तो इसने भी सेना का आधुनिकीकरण किया था। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज क्या हो गए, आग बबूला हो गए, और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी, खतरनाक दिखाई देने लगे थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुचलना जरूरी है।
फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े। 4 कर्नाटक का युद्ध होता है, ठीक है, 4 फेज में 4 बार जंग होता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मद्रास की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और ये सारी आपको संधियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। 1767 से 1779 के बीच में होता है, 1780 से 1784 तृतीय फेज में, 1790 1700 और 1799 सबसे लास्ट में, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और सहायक संधि कर ली जाती है वाडेयार के जो बालक रहता है उसको शासक बना के, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल जाती है टीपू सुल्तान को मार के। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पूरे पुराने वाडियार वंश राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर में सहायक संधि कर ली गई 1799 ईस्वी में, ठीक है। संधि में कुछ करोड़ रुपए देने की बात गई थी, तो टीपू सुल्तान के पास 3 करोड़ रुपए देने की बात करी गई थी, तो टीपू सुल्तान के उसके पास पैसे इतने नहीं थे, तो ये इसने अपने बच्चे को भी गिरवी कर रख दिया, 2 बच्चे थे। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद निजाम और कंपनी संयुक्त फौजी के हमले के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी, और इस संधि के तहत 2 बेटों को अंग्रेजी बंधक के रूप में अपने पास रख लिया गया था, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। तो ये इस समय जो गवर्नर था वो कार्नवालिस था, ठीक है, गवर्नर जनरल कार्नवालिस था, ठीक है। टीपू की कहानी है, कैसे इसको शेर मैसूर कहा जाता है। तो 1782 में राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे, वहां एक शेर उनके सामने आ गया, उनके बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई थी, फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली, अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद इन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा और इनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। तो ये खिलौना आपको दिख रहा है, एक टॉय, टीपू का खिलौना शेर कहा जाता है। ये जो अब खिलौना है ना, इसमें एक नकली शेर है जो कि एक यूरोपीय सिपाही को दबाया हुआ है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख आवाज आती है। अब यह खिलौना जो है शेर लंदन वाला खिलौना जो है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया लंदन में। 4 मई 1799 को जब अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तब अंग्रेजों ने इस खिलौने को अपने साथ ले गए, तो अभी म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है, ये बात बता होनी चाहिए आपको। अब आती है मराठों से लड़ाई, मराठों से सिख से लड़ाई होती है, फिर अफगान से लड़ाई होती है अंग्रेजों की। तो मराठों से लड़ाई की बात करें तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली के देश का शासन चलाने का मराठों का सपना क्या गया चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेंसी या राज्य मंडल के सदस्य थे। ये कन्फेडरेंसी क्या होती है, कन्फेडरेसी एक गठबंधन होता है, अलायंस, ठीक है। पेशवा के इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, पेशवा जो होता था इस कन्फेडरेसी का क्या होता था, पेशवा प्रशासकीय प्रमुख होता था पूरे, और ये पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठों योद्धाओं और राजनीतिज्ञ थे। कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिए। कई युद्ध हुए, पहला युद्ध होता है 1782 में, जिसमें सालबाई की संधि के साथ खत्म होता है, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1803 ईस्वी में और 1805 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। कई मोर्चों पर लड़ा गया ये, इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना, उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अंततः 1817-1819 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्धों में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा के पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर नियंत्रण हो चुका था अंग्रेजों का। तो ये हुआ था सर्वोच्चता का दावा, ठीक है। जब अंग्रेज ने कित्तूर यानी फिलहाल कर्नाटक में है के छोटे राज्य पर कब्जे लेने का प्रयास किया, तो रानी वहां की चिनम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया।
जो अभी लाट डलहौजी, आपने देखा होगा कि लाट डलहौजी की आती है, व्यापगत का सिद्धांत, ये सब विरोध का कारण बनता है जो 1857 की क्रांति होती है। तो उससे पहले देखा जाए कि एक घटना हुई थी जब अंग्रेज ने कित्तूर, यानी फिलहाल कर्नाटक में है, छोटे राज्यों में कब्जे में लेने का प्रयास किया था। तो रानी चेनम्मा, कित्तूर की जो थी रानी चेनम्मा, ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में, ये फोटो दिख रहा है ना, यही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चेनम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। किसने? चौकीदार रायना ने, ठीक है। आखिरकार उन्हें अंग्रेजों ने भी पकड़ लिया। 1830 में उनको फांसी से लटका दिया गया, मतलब फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध में ऐसे कई दूसरे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अंग्रेज ने उनको भी मार दिया, फांसी पे लटका दिया। देखिए 1830 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रूस से डरी हुई थी। उनको ऐसा लगता था कि कहीं भारत पे भी रूस कब्जा ना कर ले, ठीक है। जिसकी वजह से, इसी डर से बचने के लिए उन्होंने उत्तर पश्चिम में भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिसमें आपको अफगानिस्तान ये सब देखने को मिलेगा। तो उन्होंने 1832 में 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया था। अफगान लड़ाई होती है ना, आंग्ला अफगान लड़ाई। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और अब सिख से लड़ाई हो रही है, सिखों से। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासतों के साथ दो लंबी लड़ाई हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया, पंजाब को भी जीत लिया था। अब विलय नीति की बात करें तो विलय नीति क्या है, तो 1848 में 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने, जो व्यापगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं जिसको, तो विलय नीति भी कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली ये जो नीति थी ये आई थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पूर्व उस वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा अगर उसका कोई पुत्र नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बार में कई रियासतें कब्जा कर ली गई थी। सबसे पहले अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी विलय नीति के तहत कौन सा राज्य गिरफ्तार किया, मतलब जब्त किया गया था, सितारा, ठीक है, सितारा, ये सतारा, सॉरी सतारा जो कि महाराष्ट्र में, सतारा याद कर लेना। फिर सवलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध को भी कब्जा किया था। अवध को 1856 में किया था और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी, वारेन, अंग्रेजों की सबसे बड़ी ये भूल थी, ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में अंग्रेजों ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, कुशासन का आरोप लगाकर कि अच्छा शासन नहीं कर रहे अवध के नवाब, जिससे जनता क्या हुई, अपने प्रिय नवाब को गद्दी से, उनको प्रिय नवाब को गद्दी से हटा दिया गया। यह देखकर जो जनता थी वो भड़क गई और अवध के लोग ने 1857 में महान विद्रोह में शामिल हो गए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। नए शासन की स्थापना की बात करें तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से में से था जो कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बम्बई में कैसे याद की थी, जो पुर्तगाली थे वो, उन्होंने अपनी पुर्तगाली, आपने वो मैंने उसमें अलग से बताया कि पुर्तगाली की जो बेटी रहती हैं वो राजा से शादी कर लेती है अंग्रेज से, तो वो उपहार में, दहेज में मिल जाता है बम्बई इनको, ठीक है। तो उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में सुधार खासतौर उल्लेखनीय है उसका। 1772 में एक न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस न्याय व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। इसने ही द्वैध शासन समाप्त किया था जो क्लाइव लेके आया था, ठीक है, जब वो इलाहाबाद की संधि होती है। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत थी। दीवानी अदालतों की मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित जो होते थे भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों में अभी भी काजी और मुफ्ती को भी अंतर्गत लिया गया था, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते, तो अंग्रेज के अंदर ही ये काम करते थे, लेकिन ये सुधार किया गया था।
अब यहाँ एक और घटना हुई थी, आपको पता होनी चाहिए कि जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो वहाँ पे एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने के आरोप में, कौन था एडमंड बर्के ने शासन सही ढंग से ना चलाने के लिए उस पर आरोप उस पर महाभियोग लगाया गया था, उस पर मुकदमा चला था 7 साल तक, कहाँ पे ब्रिटिश संसद में, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1773। देखिए अंग्रेज भारत की धार्मिक नीतियों या सामाजिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने पंडितों और जो काजी होते हैं लोगों की मदद लेके वहाँ के जो कुरान बाइबल इन सब का अनुवाद करवाया था, और धर्मशास्त्र जो होते थे उनका अनुवाद भी करवाया था अपने समझने के लिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में, बंगाल में 1774 में, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालतें भी स्थापित की गई थी। भारतीय जिले कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसका मुख्य काम लगान और इकट्ठा करना था, न्यायाधीशों पुलिस अधिकारी और दरोगा की सहायता से जिले कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को होशिए पर ढकेल दिया, ठीक है, जो पुराने थे उसको हटा दिया। कंपनी की फौज की बात करें तो देखिए 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों की भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना के को सिपाही, जो भारतीय शब्द में सिपाही से बना आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे ही युद्ध तकनीक बदलने लगी, जब 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी, सेना ने घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट या तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक लैस होते थे। मैचलॉक मतलब पहले बंदूक को जलाने के लिए माचिस का उपयोग किया था, बारूद जो भरा होता है। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जात और समझाए भावनाओं और नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोगों अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। जैसे आपने पता है कारतूस जो आपने पढ़ा था जो 1857 का, उसका तत्कालिक कारण यही था कि सूअर की चर्बी और गाय का मांस, ये सब खबर फैली हुई थी तो धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी। तो ये सब ध्यान में नहीं देते, बस सेना की भर्ती करते जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, भारतीयों जो जैसे मुगल जब शासक थे तो उस समय दूसरी टाइप की सेना थी, आधुनिकरण का उतना नॉलेज नहीं था तो उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, तो भारतीयों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। तो इस क्योंकि सेनाओं की ज़रूरत पड़ने लगी थी, ठीक है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्होंने ये सब अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों का धर्म और उनकी स्थिति का ध्यान नहीं देते थे, उनकी धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचा जाते थे। कुछ निष्कर्ष हैं अब ये देख लेते हैं। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था, और देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर नियंत्रण कर चुकी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। दीवानी शेरे मैसूर किसको कहा जाता है, तो ये तो आपको पता है टीपू सुल्तान। रानी चेन्नप्पा क्या थी, कित्तूर की अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिनको 1829 में मार दिया गया था, 1824 में गिरफ्तार किया गया था। सिपाही कौन था, वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 में आया था, तो उसके बाद ये वॉरेन हेस्टिंग बनता है। और सिपाही भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया, नहीं सिपाही को सिपाही कहा जाता था, ठीक है। दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया किसने, शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था, ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है।
ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।